और भाई लोग कैसी चल रही तुम्हारी एग्जाम की तैयारी? सब एकदम बढ़िया? भाई यार दुखते रक्त पे हाथ क्यों डाल रहा है? अबे मुझे पता है यार उन लोग को बोर्ड का टेंशन है। तो यार चिंता मत करो यार, सैंपल पेपर उठाओ और बनाना शुरू कर दो। क्योंकि यार जब मैं क्लास 10th में था ना यार, तो मैंने भी यार यही किया था। उस समय यार उसवाल का सैंपल पेपर आता था, आज भी यार उसवाल का सैंपल पेपर आता है, तो तुम वो खरीदो ठीक है और यार सॉल्व करना शुरू कर दो। उसका बेस्ट पार्ट क्या तुम्हें पता है? उसमें यार तुम्हें सारे चैप्टर्स के ना नोट्स मिल जाएंगे, और वो नोट्स यार तुम पढ़ो, तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। क्योंकि यार मुझे पता है कि तुम लोग यार नोट्स बनाने वाले नहीं हो। नहीं मतलब अगर तुमने नोट्स बनाया है तो काफ़ी अच्छी बात है, तुम अपने नोट्स से पढ़ो, और जिन्होंने नहीं बनाया वो यार यहाँ से पढ़ लो। और यार जब तुम नोट्स से पढ़ लोगे उसके बाद तो तुम्हारे अंदर यार एक अलग ही जलवा होगा। उसके बाद तुम आराम से कुछ मत करना, सिंपल पेपर उठाना और सॉल्व करना शुरू कर देना। क्योंकि यार ये सारे क्वेश्चन ना सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पर बनाई गई है। इससे होगा ये कि तुम्हें यार एक आइडिया मिल जाएगा कि बोर्ड में यार किस ढंग के पेपर आने वाले हैं, ठीक है? तो यार चिल करके कहानी सुनो यार, बोर्ड का टेंशन क्यों ले रहे हो खामखा? चलो तो यार आज की कहानी है हमारी भोली चैप्टर के बारे में। इस कहानी में यार एक लड़की थी जिसका नाम था यार सुलेखा, और उसको यार सब ना बचपन से ही भोली भोली कहकर चिढ़ाते थे। क्योंकि यार जब वो जन्म ली थी तब तो यार वो काफी सुंदर थी, बहुत ही खूबसूरत दिखती थी। लेकिन 10 महीने बाद हुआ यूं कि वो खाट से यार सर के बल नीचे गिर जाती है, और जैसे यार वो सर के बल नीचे गिरती है तो यार उसका मानसिक संतुलन यार बिगड़ जाता है, और तब से यार उसका दिमाग ना यार आगे डेवलप ही नहीं कर पाता है, और सारे लोग यार उसको भोली भोली कहने लगते हैं क्योंकि यार उसके अंदर बचपन आ जाता है। वैसे तो यार वो अभी भी बच्ची थी। और फिर यार 2 साल बाद ना उसको स्मॉल पॉक्स हो जाते हैं, और स्मॉल पॉक्स के यार काले काले धब्बे जो है ना यार उसके पूरे शरीर पर यार हो जाता है, सिर्फ आंखों को छोड़कर। और उन काले धब्बों के कारण ना यार वो काफी बदसूरत दिखने लगती है। भोली ना यार 5 साल तक बोल भी नहीं पाती है, और जब यार वो आखिरकार बोलना शुरू करती है तो वो यार हकलाने लगती है, मतलब यार तोतला के बोल रही थी। तो यार सारे बच्चे यार उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब यार तुम तोतला के बोलोगे तो बच्चे यार तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे। अब यहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बच जाते हैं, पहला कि पत्थर उठाओ और उनका सर फोड़ दो, और दूसरा कि यार बोलो ही ना, तुम बोलोगी नहीं तो यार वो मजाक ही नहीं उड़ाएंगे। तो भोली ने यार दूसरा ऑप्शन चूज किया, और वो यार बहुत ही कम बोलने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मैं बोलूंगी तो यार सारे बच्चे फिर से मेरा मजाक उड़ाएंगे, इससे बढ़िया है कि बोलो ही ना। भोली के पिता का नाम यार रामलाल था, और वो ना यार गांव के नंबरदार थे। नंबरदार या फिर लंबरदार उनको कहा जाता था ना, जो कि यार छोटे छोटे जमीन वालों से यार जमीन का पैसा वसूलते थे और सरकार को देते थे, मतलब ब्रिटिश के जमाने में। आज के जमाने में तुम कह सकते हो कि यार गांव का मुखिया कह सकते हो। मतलब रामलाल के यार 7 बच्चे थे, 3 बेटा था और यार 4 बेटी थी। तो तीनों बेटों को तो यार वो शहर भेज देते हैं कि हाँ बेटा जाओ तुम वहाँ पर जाकर पढ़ो, कॉलेज करो, और फिर कॉलेज वॉलेज करके यार अंधा पैसा कमाओ। और यार रह गई 4 बेटियाँ, तो उनकी यार शादी की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ जाती है। पहली बेटी जिसका नाम यार राधा था, उसकी तो यार शादी ऑलरेडी हो रखी थी। दूसरी बेटी जिसका नाम यार मंगला था, उसकी यार शादी तय हो गई थी, मतलब यार इन्होंने दूल्हे वगैरह को देख रखा था और शादी यार एकदम तय हो रखी थी। तीसरी बेटी जिसका नाम यार चंपा था, उसकी शादी की चिंता इनको सता रही थी रामलाल को। और चौथी और सबसे छोटी बेटी जो कि है यार हमारी भोली, उससे कौन शादी करेगा यार, वो तो पहले ही बदसूरत दिखती है और दिमागी हालत भी यार इसकी सही नहीं है। तो यार पहली 3 बेटियों के लिए यार उनको दूल्हा ढूंढने में यार उतना कष्ट होगा नहीं, क्योंकि यार वो पहले से ही खूबसूरत दिखती है, ठीक है, हेल्दी भी है, क्योंकि यार जमींदार की बेटियां हैं तो खाने पीने की कमी नहीं है, मतलब तंदुरुस्त लड़कियां हैं, तो यार उनके लिए तो दूल्हे मिल जाएंगे। लेकिन यार भोली को कौन पसंद करेगा यार, भोली से कौन शादी करेगा? तो यार भोली की टेंशन उनको हमेशा सताती थी। भोली यार जब 7 साल की हुई ना, तो यार मंगला की शादी करा दी गई। मंगला कौन थी यार? रामलाल की दूसरी बेटी। और उसी साल यार गांव में ना एक प्राइमरी स्कूल भी खुला। तो यार जैसे प्राइमरी स्कूल खुला तो तहसीलदार साहब को बुलाया गया ओपनिंग के लिए। ओपनिंग के बाद यार तहसीलदार साहब ना रामलाल से मिलते हैं और कहते हैं कि देखो रामलाल ऐसा है कि तुम यार रेवेन्यू ऑफिसर हो और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी हो, तो इसीलिए तुम्हें एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। अपनी जितनी भी तुम्हारी बेटियां हैं यार उनको स्कूल में पढ़ने के लिए भेजो, ताकि गांव के जितने भी लोग हैं वो भी यार स्कूल में पढ़ने के लिए अपनी अपनी बेटियों को भेजेंगे। क्योंकि यार उस समय ऐसा होता था ना कि यार लोग जो है ना वो अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वो पढ़ने स्कूल गई तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। तो इसीलिए रामलाल को कहा जाता है कि तुम यार गांव के नंबरदार हो, तुम बहुत ही मुख्य इंसान हो, तो तुम यार अपनी बेटियों को भेजोगे तो तुम्हारे देखते देखते सारी लड़कियां आएगी स्कूल, सारे जो पेरेंट्स हैं वो लोग यार अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे पढ़ने के लिए। तो यार ये बात ना अब घर जाकर वो अपनी पत्नी को बताते हैं, कहते हैं सुनते हो भगवान, आज तहसीलदार साहब मिले थे, कह रहे थे स्कूल में अपनी बेटियों को भेजने के लिए। अब यार उनकी पत्नी चिल्ला बैठती है, दिमाग खराब हो गया क्या आपका? अगर हम अपनी बच्चियों को स्कूल भेजेंगे तो उनसे शादी कौन करेगा? बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तहसीलदार साहब को मना करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। तो उनकी पत्नी सजेस्ट करती है कि आप ना भोली को स्कूल भेज दीजिए, क्योंकि वो पहले से ही बदसूरत दिखती है, तो उससे तो कोई ऐसे भी शादी नहीं करेगा, और अगर स्कूल गई फिर भी कोई नहीं करेगा, तो हम इसकी चिंता क्यों करें, स्कूल की टीचर जो होगी उनको इसके बारे में सोचने दीजिए। रामलाल कहता है हाँ आइडिया तो बड़ा अच्छा है यार। अगले दिन यार रामलाल भोली का हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें स्कूल लेके चलता हूँ। अब यार भोली पूरी तरह से डर गई, क्योंकि यार उसको पता ही नहीं था कि स्कूल किस चिड़िया का नाम है। उसको ऐसा लगा कि अभी कुछ दिन पहले जैसी उसकी गाय थी जिसका नाम था यार मंगला, उसको बाहर ले जाकर बेच दिया गया, उसी ढंग से कहीं मुझे भी तो नहीं बेच देंगे।
तो यार वो पूरा डर गई और अपना हाथ यार अपने पिता के हाथ से छुड़ाने लगी और कहने लगी, ना ना नो 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 नो। मतलब यार वो तोतला के बोल रही थी कि नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। रामलाल यार गुस्सा हो गया और चिल्ला के बोला, क्या हुआ रे पागल लड़की, मैं तुझे सिर्फ स्कूल ही तो ले जा रहा हूँ। और फिर वो अपनी पत्नी से कहता है, सुनती हो भाग्यवान, आज इसको कुछ अच्छे कपड़े पहना दो, वरना लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, टीचर और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। होली के लिए यार कभी भी नए कपड़े बनाए नहीं गए थे, जो भी यार उसकी बड़ी बहनें थी उसी के छोटे कपड़े जो हो जाते थे वो यार होली को दे दिया जाता था पहनने के लिए, और उसके कपड़ों का कभी भी ख्याल रखा नहीं जाता था। मतलब यार कभी न धोना न कुछ करना, ऐसे ही गंदा कपड़ा पहनाकर बैठाए रखते थे। मतलब अलग ट्रीट करते थे यार उसको, एकदम लगता था कि क्या ही वाहियात किस्म की इंसान है, इसको हटाओ। लेकिन यार आज ना होली के लिए लकी दिन था, उसको यार अच्छे से नहाया धुलाया गया, बालों में यार तेल वेल लगाया गया, ठीक है, मतलब उसके यार हेयर वगैरह जो उलझे हुए रहते थे उसको सही ढंग से झारा वारा गया। और यार चंपा जो कि यार उसकी बड़ी बहन है, तो उसका एक कपड़ा जो कि यार उसको फिट नहीं आ रहा था, मतलब चंपा को फिट नहीं आ रहा था, तो वो यार होली को पहनाया गया, जो कि यार देखने में कुछ नया सा दिख रहा था। और फिर उसको बिलीव हो गया कि मैं आज कहीं ऐसे जगह तो जा रही हूँ जो कि यार हमारे घर से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मुझे आज नहाया धोया गया है, एकदम नए नए कपड़े भी पहनाए गए हैं, मतलब कुछ तो खास जगह ले जा रही हैं हमें। जैसे ही वो लोग स्कूल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यार सारे बच्चे जो है वो ऑलरेडी अपने अपने क्लासरूम में जाकर बैठ चुके हैं। तो रामलाल यार अपनी बेटी का हाथ जो है वहाँ की टीचर के हाथ में दे देता है, कहता है ये लीजिए हमारी बेटी, इनको आप पढ़ाइए। अब यार हमारी बेचारी भोली घर वालों से दूर अनजान लोगों के बीच में आ गई थी, उसे यार डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी यार वो धीरे धीरे अपनी आंखें ऊपर उठाकर चीज़ों को देख रही थी। उसने देखा कि यार वो उस स्कूल में काफ़ी सारे क्लासरूम्स थे, और उसमें हर एक क्लासरूम में ना यार उसके जैसे कुछ बच्चे जो है वो बैठे हुए थे मैट पर, और कुछ यार पढ़ रहे थे तो कुछ यार स्लेट पर लिख रहे थे। स्लेट पता ना किसे कहते हैं, और वो एक मिट्टी का होता है जिसपे चौक से हम लोग लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड टाइप होता है, छोटा सा मान लो, छोटा सा ब्लैक बोर्ड बोल दो उसको। फिर यार उसकी टीचर भोली से कहती है कि भोली जाकर किसी भी एक क्लास में कोने में बैठ जाओ। भोली को यार स्कूल के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन यार उसको इस बात की खुशी थी कि यार उसके जैसे काफ़ी सारे लोग जो है, काफ़ी सारे बच्चे जो है वहाँ पर बैठे हुए थे, उसी के एज के थे, और उसको पूरा विश्वास था कि इसमें से कोई ना कोई तो उसकी दोस्त बन जाएगी। जो लेडी टीचर थी यार उसके क्लास में वो बच्चों को पढ़ा रही थी, लेकिन यार भोली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। भोली यार इधर उधर बस देख रही थी, जो वॉल्स पे पिक्चर बने होते हैं ना, दीवारों पे जो पिक्चर बने होते हैं उसको वो देख रही थी। वो देखती है कि यार एक ब्राउन कलर का घोड़ा वहाँ पर था, तो वो कहती है कि ये घोड़ा तो यार बिल्कुल एकदम मेरे तहसीलदार साहब जो मेरे गांव में आते हैं उनके जैसा दिख रहा है। फिर यार वो एक काले कलर की बकरी देखती है जो कि यार बिल्कुल उसके पड़ोसी के बकरी के जैसा दिख रहा था। फिर वो देखती है कि एक ग्रीन कलर का पैरोट है जो कि उसने कुछ दिन पहले अपने आम के बगीचे में देखे थे। और आखिर में वो एक गाय देखती है जो कि यार बिल्कुल उसकी गाय लक्ष्मी की तरह दिख रही थी। फिर वो अचानक से देखती है कि जो टीचर पढ़ा रही थी वो उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसके तरफ देख कर स्माइल कर रही होती है, मुस्कुरा रही होती है। और फिर वो भोली से पूछती है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। वो यार अपना पूरा नाम नहीं बोल पाती है और यार रोने लगती है, आंखों से आंसू आने लगते हैं, और अपने सर को यार नीचे झुका लेती है क्योंकि उसको पता था कि सारे बच्चे यार उस पर अब हंसेंगे। मतलब यार उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी ना कि वो अपना सर ऊपर उठाकर आंखों से आंखें मिलाकर बात कर सके, क्योंकि यार उसको पता था कि अब सारे बच्चे यार उसका मजाक उड़ाएंगे। तो यार वो चुपचाप जाकर एक कॉर्नर में बैठ जाती है। जब यार स्कूल की घंटी बजती है तो सारे बच्चे यार स्कूल से बाहर भाग जाते हैं, ठीक है, मतलब यार छुट्टी हो जाती है तो वो सारे लोग यार अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन भोली यार अभी भी कॉर्नर में ही क्लास में बैठी हुई थी और यार सिसकिया ले रही थी, मतलब यार रो रही थी, अपने गर्दन को नीचे झुकाकर बैठकर रो रही थी। फिर यार टीचर आती है और बहुत ही स्मूथ तरीके से बोलती है, भोली बेटा उठ जाओ, देखो मैं तुम्हें आदेश नहीं दे रही हूँ, मैं तुम्हें एक फ्रेंडली वे में सजेस्ट कर रही हूँ, उठ जाओ बेटा, उठो उठो, अच्छे बच्चे की तरह उठ जाओ। भोली को ना यार आज तक किसी ने भी इस ढंग से नहीं बुलाया था, इतने मधुर आवाज से किसी ने नहीं बुलाया था। भोली को बहुत ही अच्छा लगता है कि मैडम यार उसको इस ढंग से बुला रही है। चलो बेटा अब अपना नाम बताओ। भोली यार खड़ी हो जाती है और पसीने से एकदम लथपथ थी। अभी भी उसे डर था कि अगर मैडम कुछ पूछेगी तो मैं यार लड़खड़ा का जवाब दूंगी और मैडम मेरे पे हंसेगी। फिर मैडम कहती है, चलो अपना नाम बताओ, मैं तुम पर नहीं हंसूंगी, शांति से अपना नाम बताओ। और यार इस बार भी वो अपना पूरा नाम नहीं बोल पाती है, लेकिन यार उसको टीचर जो है उसको शाबाशी देती है, कहती चलो बेटा बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, फिर से ट्राई करो, पूरा नाम बोलने की कोशिश करो, तुमने काफ़ी अच्छा ट्राई किया। मतलब यार उसकी टीचर ने उसको इंक्रेज कर रही है, शाबाशी दे रही है कि वाह बेटा तूने बहुत ही अच्छा काम किया, आगे ट्राई करो। भोली। और आखिरकार यार वो अपना पूरा नाम बोल पाती है, उसे यार बहुत ही रिलीफ फील होता है और बहुत ही खुशी भी होती है, उसको लगता है कि यार मैंने कुछ जीत लिया हो, बहुत ही वो हैप्पी थी कि यार उसने आज फर्स्ट टाइम अपना पूरा नाम बोल दिया। बहुत ही अच्छा बेटा, बहुत ही अच्छा, शाबाश तुमने अपना पूरा नाम बोल लिया, तुम अपने अंदर से इस डर को बाहर निकाल दो, फिर बाकियों की तरह तुम भी बोल पाओगी। भोली यार अपना गर्दन ऊपर करके मैडम की तरफ देखती है, मानो वो ऐसा कहना चाह रही हो कि सच में, क्या मैं सच में बोल पाऊंगी।
हाँ बेटा, तुम सच में बोल पाओगी, ये बहुत ही आसान है, बस तुम डेली स्कूल आया करो। तुम आओगी ना स्कूल? तो यार भोली अपना हाँ में सर हिलाती है कि हाँ मैं आऊंगी। ना बेटा, ऐसे सर हिला के नहीं बोलना है, तेजी में बोलो, लाउड, यस। और भोली यार खुद सरप्राइज हो जाती है कि मैं बोल पा रही हूँ ढंग से। बेटा मैंने आपको बताया नहीं, ये लो किताबें, इसमें ना बहुत ही अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर पिक्चर्स हैं, कलरफुल डॉग्स की पिक्चर है, कैट है इसमें, एलिफेंट है, टाइगर है, पैरोट है, और जो लक्ष्मी तुम्हारी काऊ थी ना वैसी ये काऊ इसमें भी है। और इन सारे पिक्चर्स के नीचे काले कलर में बड़े बड़े अक्षरों में ना नाम लिखे हुए हैं इनके। एक महीने के अंदर में तुम इन सारे वर्ड्स को पढ़ना सीख जाओगी, फिर मैं तुम्हें इससे बड़ी वाली बुक दूंगी, और फिर जब तुम वो भी सीख जाओगी तो फिर उससे भी बड़ी वाली बुक दूंगी, फिर गांव में तुम्हारे ऊपर कोई नहीं हंसेगा, लोग तुम्हारी बातों को सुनेंगे और तुम्हारी इज्जत भी करेंगे, तुम बिना तुतलाए हुए पूरे अच्छे से बोल पाओगी, समझी? चलो बेटा अब तुम घर जाओ और कल ना सुबह सुबह आ जाना, ठीक है? भोली को अचानक से ऐसा लगा कि गांव के जो मंदिर है ना उसकी सारी घंटियां बजने लगी है, स्कूल के आगे जो पेड़ है यार उसमें लाल लाल फूल खिलने लगे हैं, मतलब यार उसके अंदर ना एक इच्छा पैदा हो गई, एक आशा की किरण उसके अंदर जग गई थी, लाइफ को नए ढंग से जीने का एक जरिया मिल गया था, उसको लगा कि बस अब तो मुझे यही करना है। धीरे धीरे यार कुछ साल बीत गए, गांव जो था यार वो छोटा सा टाउन बन चुका था, प्राइमरी स्कूल यार अब हाई स्कूल बन गया था, छोटा सा यार एक सिनेमा हॉल भी आ गया था उनके गांव में, जो यार डाकघर था यार उसकी भी ट्रेन जो है उसके रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी थी, मतलब यार गांव का धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हो गया था। तब यार एक रात रामलाल अपना खाना खत्म करने के बाद अपनी पत्नी से बोलता है, भाग्यवान तुम क्या कहती हो, क्या मुझे विशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? तो यार उसकी पत्नी बोलती है, हाँ जी कर लीजिए, हमारी भोली भाग्यशाली होगी कि उसको ऐसा दूल्हा मिलेगा, बड़ा सा दुकान है, अपना मकान है, और मैंने तो ये भी सुना है कि उसके बैंक में हजारों रुपए भी हैं, और हमारे लिए तो सबसे अच्छी बात यह है कि वो दहेज भी नहीं मांग रहा है। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन वो जवान नहीं है, तुमको पता है ना वो मेरी उम्र का है, और वो लंगराता भी है, और उसकी जो पहली पत्नी थी उसके बच्चे भी काफी बड़े हो गए हैं। तो क्या हुआ जी, 45-50 साल कोई बड़ी उम्र थोड़ी ना होती है, हम तो भाग्यशाली हैं कि वो दूसरे गांव से है और उसको हमारी बच्ची के बारे में पता नहीं है, उसको ये नहीं पता है कि हमारी बच्ची के चेहरे पर काले काले धब्बे हैं और उसकी बुद्धि भी कम है, अगर हम उसका प्रस्ताव नहीं मानेंगे तो हमारी बच्ची हमेशा कुंवारी रह जाएगी, कौन करेगा उससे शादी, आप ही बताइए। हाँ तुम ठीक कह रही हो भाग्यवान, लेकिन मुझे भोली की चिंता है, वो क्या कहेगी? अजी वो क्या कहेगी, वो तो गूंगी गाय जैसी है। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। ये सारी बात ना यार आंगन में लगे हुए खाट पर भोली लेटे लेटे सुन रही थी। आंगन पता है ना तुम्हें किसको कहते हैं, जिसके ऊपर यार छत नहीं होता, ठीक है, मतलब घर के बीचों बीच एक एरिया को ओपन छोड़ दिया जाता है, उसको आंगन कहा जाता है। विशंबर नाथ यार पूरा बनिया था, और बनियों का यार क्या कहना, वो मतलब यार मक्खी से भी चूस चूस से घी निकाल लेते हैं। तो उसी ढंग से यार विशंबर नाथ ने ना अपने सारे दोस्तों को और रिश्तेदारों को बुला लिया था शादी में। दूल्हा यार घोड़ी पे चढ़ा हुआ था, आगे आगे बैंड बाजा जो है वो अपना अपना गाना बजा रही थी, ठीक है, उस समय का जो पॉपुलर इंडियन ट्यून था यार वो बजा रहे थे। लोग भी यार धीरे धीरे आगे आगे बढ़ रहे थे, मतलब जो हमारे गांव में जैसे बारात वारात आती है ना उसी ढंग का यार बारात वहां भी आ रहा था, लोग यार नाच रहे थे, झूम रहे थे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, मतलब कि बढ़ियाती लग रहा था, समझे? और रामलाल ये शानो शौकत देखकर बहुत ज्यादा खुश था, उसने अपने सपने में कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी यानी कि भोली की शादी इस ढंग से होगी, इतने धूमधाम से होगी। भोली की जो बड़ी बहनें थी जो कि यार भोली की शादी के लिए आई हुई थी, वो इस बात से जल रही थी कि देखो यार इसका लक कितना अच्छा है कि इसकी शादी इतनी धूमधाम से हो रही है, हमारे तो बस ऐसा ही कर दिया। जब यह शादी करने का शुभ मुहूर्त आ गया तो पंडित जी कहते हैं, दुल्हन को बुलाइए स्वाहा। भोली यार लाल रंग की रेशमी साड़ी में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, और यार वो आकर पवित्र अग्नि के बगल में बैठ जाती है जहाँ पर यार उसका स्थान बनाया हुआ था, मतलब यार मंडप में दूल्हे के बगल में आकर बैठ जाती है, फेरे वेरे लेने का कार्यक्रम होगा ना भाई, तो इसलिए आकर बैठ गई। दुल्हन को माला पहनाओ, विशंबर नाथ के एक दोस्त ने उसे ऐसा कहा। दूल्हे ने यार पीले कलर के गेंदे के फूल से जो बना हुआ माला था यार उसको उठाया, तभी यार अचानक से एक औरत ने यार दुल्हन का जो घूंघट है ना उसको पीछे हल्का सरका दिया। अब यार जो भोली का चेहरा था वो यार दिखने लगा, तो विशंबर नाथ ने जैसे ही उसका चेहरा देखा ना तो वो एकदम हक्का बक्का रह गया, उसके हाथ में जो माला था यार वो उसी में अटका रह गया, वो माला पहना ही नहीं पाया। फिर धीरे से दुल्हन ने अपना चेहरा जो है घूंघट से वापस से ढक लिया, मतलब कि भोली ने वापस से अपना घूंघट जो है वो डाल लिया ताकि चेहरा ना दिख पाए। फिर यार विशंबर नाथ अपने दोस्त को कुछ कहने लगता है, तुमने देखा उसके चेहरे पर काले काले धब्बे हैं, तो क्या हुआ, तुम भी तो जवान नहीं हो। हाँ हो सकता है मैं जवान नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे ये शादी करनी है तो उसके पिता को 5,000 देने होंगे।
रामलाल गया और अपनी पगड़ी उतारकर विशाम्बर के पैरों में रख दिया। हमारी ऐसी इज्जत ना करे, कृपया 2000 ले ले और ये शादी कर ले। नहीं, मुझे पूरे 5000 रुपये चाहिए, वरना तुम अपनी बेटी को रखो और हम लोग जा रहे हैं। रामलाल यार उसके पैरों को पकड़कर रोने लगा। कृपया हमारे बारे में सोचे, अगर आप लोग चले जाएंगे तो हमारी गांव में क्या इज्जत रह जाएगी, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। तो फिर जाके 5000 लेके आओ। रामलाल यार रोते रोते घर में जाता है, तिजोरी में से यार कुछ पैसे निकालता और गिनने लगता है और फिर लाकर विशंबरनाथ के चरणों में रख देता है। विशंबरनाथ का लालची चेहरा यार फिर से मुस्कुरा उठा। उसने यार एक जुआ खेला, ठीक है, और वो जीत गया। लाओ मुझे माला दो। एक बार फिर से यार दुल्हन का घूंघट जो है वो पीछे सरकाया गया और इस बार यार दुल्हन जो है ना वो नीचे नहीं देख रही थी, वो सीधा यार अपने होने वाले पति के आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। और इस बार वो गुस्सा नहीं थी विशंबरनाथ से, वो ना तो गुस्सा थी और ना उससे जलन फील कर रही थी। वो यार ये सोच रही थी कि कैसे इंसान से मेरी शादी होने जा रही है जो इस रिस्पेक्ट को डिजर्व ही नहीं करता है। उसके अंदर यार तिरस्कार का भाव था। विशंबरनाथ यार भोली के गर्दन में माला डालने ही वाला था, तभी यार भोली जो है अपना घूंघट नीचे सरकाती है और यार माले को छीन कर फेंक देती है और माला यार जाकर अग्नि में भस्म हो जाता है, मतलब आग में जल जाता है और तनकर वो खड़ी हो जाती है। पिताजी, भोली यार बिना हकलाए हुए एकदम लाउड आवाज में बोलती है और यार उसके बहने, उसकी भाई यार रामलाल खुद और उसकी माँ और जितने भी रिश्तेदार थे यार वो सारे यार ये आवाज़ सुनकर बहुत ही चौंक जाते हैं कि यार ये कैसे बोल पड़ी और वो भी बिना हकलाए हुए। पिताजी आप ये पैसे वापस ले लीजिए, मैं इस इंसान से शादी नहीं करूंगी। रामलाल यार एकदम हकबका गया और रिश्तेदार जितने भी थे यार वो आपस में बातचीत करने लगे कि कैसी बेशरम लड़की है, जितनी बदसूरत है उतनी बेशरम भी है। रामलाल यार भोली पर चिल्ला पड़ता है, पागल हो गई हो क्या, अपने घर का अपमान करना चाहती हो, हमारी इज्जत के बारे में तो कम से कम सोचो एक बार। आपकी इज्जत की खातिर ही मैं इस बूढ़े लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी, पर अब ऐसे नीच लालची और घमंडी कायर इंसान से मैं कतई शादी नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। और जैसा कि तुम लोग यार जानते हो कि औरतों का काम होता है फुसफुसाना, तो कुछ औरतें यार आपस में फुसफुसा रही थी, कैसी बेशरम लड़की है, हमने तो सोचा था सीधी शादी गऊ की तरह है। भोली को यह सुनकर उस बुढ़िया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, हाँ चाची तुम ठीक कह रही हो, तुमने सोचा था कि मैं एक गूंगी गाय की तरह हूँ, इसलिए तुम सब मुझे एक निर्दयी प्राणी के हाथ में सौंपना चाहते हो, पर अब ये गूंगी गाय और हकलाने वाली मूर्ख औरत बोल रही है, और भी कुछ सुनना है क्या? नहीं बोलो, सुनना है तो सुनाती हूँ। विशंबरनाथ अपने बारात के साथ वापस लौटने लगा। बैंड वाले को लगा कि यार ये समाप्ति है शादी की, तो वो यार समाप्ति सॉन्ग बजाने लगे, मतलब जो इंड वाला सॉन्ग होता है ना वो बजाने लगे। नहीं ऐसा नहीं बजता, छोड़ना। रामलाल ऐसा ही खड़ा था मानो उसके पैरों के नीचे की जमीन ही खसक गई हो। वो यार दुख और शर्मिंदगी के कारण अपना सर को नीचे झुकाए खड़ा था। मंडप का आग यार धीरे धीरे बुझ जाता है और कुछ ही देर में सारे लोग यार अपने अपने घर चले जाते हैं। और फिर रामलाल जो है अपनी बेटी यानी कि भोली से कहता है, अब तेरा क्या होगा बेटी, तुझसे कौन शादी करेगा, हम तेरा क्या करेंगे। फिर सुलेखा बोलती है, सुलेखा यानी कि भोली, भोली का ही असली नाम सुलेखा था, याद है ना। तो सुलेखा बोलती है, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं आपके बुढ़ापे की लाठी बनूंगी, आपकी और माँ की मैं सेवा करूंगी बुढ़ापे में, और जिस विद्यालय ने, जिस स्कूल ने मुझे इतना कुछ सिखाया है, मैं उसी विद्यालय में अब पढ़ाऊंगी। मैंने ठीक कहा ना मैडम। उसकी टीचर भी यार वहां पर मौजूद थी और ये सारा नाटक यार एक कोने में खड़े होकर देख रही थी। और फिर वो कहती है, हाँ भोली तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उसकी टीचर की आंखों में यार एक सुकून था, वैसा सुकून जब एक आर्टिस्ट अपना मास्टरपीस क्रिएट करने के बाद उसको देखता है, जब एक क्रिएटर अपना वीडियो क्रिएट करने के बाद देखता है, सेम सुकून, सेम सेटिस्फैक्शन यार उसकी आंखों में दिख रहा था। एक स्माइल के साथ उसकी टीचर यार हंस रही थी। और इतना ही कहकर तुम्हारे इस चैप्टर को भी खत्म कर दिया गया है। तो यार भोली की बहादुरी तुम्हें कैसी लगी, तुम मुझे नीचे कमेंट में बताओ। इस कहानी से तुम्हें ये सीखने को मिल रहा है कि अगर तुम ट्राई करते रहोगे तो तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। अगर तुमने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अब से स्टार्ट नहीं की है और अब से तुम ट्राई करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो इसीलिए यार जाओ और सैंपल पेपर पढ़ना शुरू कर दो। मैं जो है यार तुम्हारे ओसवाल बुक्स की लिंक्स यार मैं नीचे दे दूंगा, ठीक है, तुम वहां से खरीद सकते हो। चलो तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ यार इस वीडियो को जरूर शेयर करो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे यार मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, इंस्टाग्राम पे आओ, बातें करते हैं यार, कुछ पूछना है तो वो भी पूछो। और हाँ यार, अगर तुमने अपने भाई का चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब मारो यार, फ्री का है, कर लो। चलो तो मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय।